मैं बता रहा हूँ हम स्टूडेंट से डिफिकल्ट लाइफ किसी की नहीं है। ओए माँ, क्या हुआ गुड्डू, परेशान क्यों है यार? एक तो पहले रोज सुबह 6 बजे उठ के नहाओ, फिर इतनी जल्दी स्कूल जाओ, और स्कूल वाले फिर क्लास में घुसने नहीं देते कि तुम में से बदबू आ रही है, तुम नहा के नहीं आए। अब बच्चा अगर क्लास में नहीं बैठेगा तो फेल तो होगा ही ना। हद है यार। अबे देख के चलना। सॉरी। तो मतलब तेरी दिक्कत नहाने से है? अबे दिक्कत नहाने से नहीं है, दिक्कत ये है कि मैं मजे कब करूं? पहले सुबह उठ के स्कूल जाऊं, स्कूल से वापस आऊं 2 बजे, तो 2:30 बजे ट्यूशन के लिए भागो, और ट्यूशन भी ऐसे नहीं कि एक ट्यूशन होती है 5, पूरा दिन ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन से घर आओ 7 बजे, फिर सोचो कि चलो यार थोड़ा चिल कर लेता हूं, टीवी देख लेता हूं, तो मम्मी सर पर डंडा रख देते हैं कि पहले ट्यूशन का होमवर्क कर, फिर स्कूल का होमवर्क कर, फिर पूरा होमवर्क करके 9 बजे सोचता हूं अब मजे करूंगा, अब देखूंगा टीवी, तो मम्मी अपने रोने धोने वाले सीरियल लगा लेती है। अरे मैं मजे कब करूं? तेरे मजे का तो पता नहीं, लेकिन अगर आज हम फिर से लेट हो गए ना ट्यूशन के लिए, तो ट्यूशन टीचर हमें मार मार के हमारा मजा निकाल देगी। ओ तेरी, भागो। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस गुड्डू की तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। कोई गुड नहीं है आफ्टरनून, पूरे 3 मिनट लेट हो तुम दोनों। कहाँ मस्ती कर रहा था गुड्डू? अरे यार मैडम, 3 मिनट में कौन सी मस्ती हो जाती है? मैम वो ना गुड्डू सुसू करने चला गया था, इसलिए लेट हो गए हम। हाँ। इतना पानी पीते ही क्यों जो हर 3 मिनट में सुसू आ जाए। चलो बैठो चुपचाप और किताबें निकालो अपनी अपनी। यार नेहा सुन, मैं अपनी होमवर्क कॉपी लाना भूल गया। लाना भूल गया? अबे ये बोल के तूने होमवर्क किया ही नहीं। अबे नहीं, कसम से मैंने किया है होमवर्क। सुनना, आज के लिए अपनी होमवर्क कॉपी दे दे। मैं नहीं दूंगी। यार दे दे ना, दोस्त नहीं है क्या? नहीं दूंगी, मैंने कहा ना, मैं मैम को बता दूंगी। यार दे दे ना प्लीज। मैं नहीं दूंगी। दे दे। अबे मैंने कहा ना नहीं दूंगी मैं। क्या हो रहा है ये? गुड्डू तो जमीन पे क्यों लेटा है? मेरी ना होमवर्क वाली कॉपी गिर गई थी, तो वही उठा रहा था। अच्छा ला दिखा जरा। अच्छा तो गुड्डू जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब वो जल्दी चमगादड़। चमगादड़? मैं इसके होमवर्क में चमगादड़ कहां से आ गया? मुझे पता था तूने होमवर्क किया ही नहीं। सॉरी मैम, गलती हो गई, कल से ना आई प्रॉमिस सारा होमवर्क करके आऊंगा। झूठ बोलने की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। सॉरी मैम, सॉरी। सुबह सुबह बेटा मैंने छोले भटूरे खा लिए थे, उसकी वजह से ना मेरे पेट में गैस बन गई है। तू मेरा एक काम करेगा, ले 10 रुपए पकड़ और मेरे लिए ना एक छाछ का पैकेट ला दे। अरे मैडम, भरी दोपहर में इतनी गर्मी में क्यों एक मासूम बच्चे को बाहर भेज रहे हो? इतनी दोपहर में तो दुकानें भी नहीं खुलती। नेहा बेटा, वो मेरा एक लोहे वाला स्केल था, वो कहाँ रखा है? अरे मैडम जी, आप तो मजाक ही नहीं समझते मेरा। मेरे को बताओ कौन सी छाछ लानी है, मसाला या प्लेन? मसाला जी मैडम, अभी लाया। जल्दी जा। अबे ओए, देख के नहीं चल सकता क्या? काम कर, ये ले 100 रुपए, चश्मा बनवाता है अपना। बकवास बंद कर। अच्छा मैडम, छाछ लानी है, ले आते हैं छाछ, इसी बहाने थोड़ा ट्यूशन से टाइम पास करने का मौका मिल जाएगा। अरे मार दिया। अरे भाई देख के चलता नहीं क्या तू? अरे मेरे को स्पीड ब्रेकर समझ के सर, अरे सर। अरे हाँ वो तो ठीक है, तेरे को चोट तो नहीं ली? मेरी साइकिल तोड़ दी तूने। सॉरी सर, मैं पैर दबा दूंगा साइकिल के। सर लेकिन एक बात बताऊं, सर जी आग लगा रखी है सर, इतनी सारी आपने जो मूवीज बनाई है ना, मजा आ गया सर। चल ठीक है, आप यहाँ कैसे? आप भी मसाला छाछ लेने? अरे नहीं, मसाला छाछ नहीं है, मैं तो मट्टो की साइकिल लेकर के आया हूँ। 16 सितंबर को आ रही है पिक्चर। मैंने सर ट्रेलर देखा, मट्टो की जो कहानी है ना, जो कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सर, मैं सिनेमा हॉल में जाके देखूंगा। अरे चल बैठ के बात करते हैं। सर जा नहीं पाऊंगा, मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, मैडम ने ना मेरे को छाछ देने भेजा है, अगर लेट हो गया ना मार मार के मेरा मुर्गा बना देंगी, है ना? लेकिन मैं आपसे मिलूंगा 16 सितंबर को सीधा सिनेमा घर में। आ जा। ठीक है सर, नमस्ते सर।
नमस्ते। और मट्टो का रोल करेगा तू? अरे सर आप हो सर गुरु। ओके सर। नेहा बेटा एक्स की वैल्यू 55 रख, अपने आप आंसर आ जाएगा। पिछली बार भी तो पढ़ाया था तुझे। अरे क्लैपिंग करो, मेरा गुड्डू बेटा आ गया मेरी छाज लेके। लद्दे फटाफट मेरी छाज कहाँ है? छाज छाज छाज। नलायक, छाज लाने को बोला था, सांप नहीं। अरे मैडम बोला तो था कि दोपहर में सारी दुकानें बंद होती हैं। आप बताओ ना कहाँ से छाज लाऊं? पहला रोटी करूंगा छाज। एक काम बोला था वो भी नहीं होता तेरे से ठीक से। गलती हो जाए तो उसे 100 करवा लो। सॉरी मैम, आज के बाद पक्का कोई गलती नहीं करूंगा। चल जाए यहाँ से, बैठ अपनी सीट पे। ये क्या किया? मैम सॉरी मैम, मैम गलती हो गई। तेरी गलती की तो चल जा, बैठ अपने सीट पे। अरे मेरे फॉर्मूले मिटा दिए। सॉरी मैम, मैम गलती हो गई, सॉरी। कब गलती नहीं होती बेटा तुझसे, तुझसे तो हमेशा ही गलतियां होती हैं। हाँ मौसी जी, क्या भिंडी बना रहे हो? उससे बढ़िया तो। ओए नेहा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दे यार, समझ नहीं आ रहा। नहीं मैं नहीं करूंगी चीटिंग, और तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं मैम को बोल दूंगी। अभी इतना क्या इतरा रही है, बता देना। मैम देख लो गुड्डू चीटिंग कर रहा है। मुर्गा बनाओ। हैं? मुर्गा बनाओ। चल गुड्डू मुर्गा बन। मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कैसे मुर्गा बनाती है। मैम देखना ये मुर्गा नहीं बन रहा। अरे पहले उसकी गर्दन पकड़ो, फिर उसकी टांग पकड़ के मरोड़ दो। अच्छा पहले इसकी गर्दन पकड़नी है, फिर टांग पकड़ के मरोड़नी है। ओके मैम। ठीक है मौसी जी, रखती हूँ फोन। नमस्ते नमस्ते। हाँ अरे गुड्डू तू मुर्गा क्यों बना हुआ है? अपने क्वेश्चन सॉल्व करना बैठ के। अरे मैम आपने रुका था कि गुड्डू की गर्दन पकड़ के इसकी टांग मरोड़ देना और मुर्गा बना देना। अरे बेवकूफ बच्चों, वो तो मैं अपनी मौसी से फोन पे बात कर रही थी, उन्हें मुर्गा बनाना नहीं आता था, उन्हें मुर्गा बनाना सिखा रही थी। बेवकूफो क्या? हाँ नेहा की बच्ची तेरी तो। अरे अरे गधो क्यों लड़ रहे हो, हटो। चल नेहा तू फटाफट भी बुक निकालो, पैराग्राफ रीड कर, चल जल्दी कर। ओके मैम। ओ हीरो तू क्या आराम से बैठा हुआ है? तो मुझे क्या करना है, मुझे तो बस सुनना है, सुन रहा हूँ। सुनना तो तुझे कानों से है, हाथों से थोड़ा सुनना है। चल चल ले फटाफट अपने हाथों से आलू छिल। है? हाँ पकड़ पकड़ जल्दी जल्दी, देख रही हूँ मैं, फटाफट छिल। छिल रहा हूँ छिल रहा हूँ, छिल छिल दिया छिल दिया। On the basis of angles, right angle triangle. In a triangle in which one of the angles measures 90 degrees called right angle triangle. तो यार कुछ करना, छुट्टी तक टाइम वेस्ट करवा दे यार। ओए माँ। अच्छा चल ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ। वैसे मैडम सोचने वाली बात है, ये जो अपने पड़ोस में मिश्रा मैडम है, इनके ट्यूशन में कुछ ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो छुड़ैल इतने बच्चे ला कहाँ से रही है? अरे मैडम मैंने तो ये तक सुना है कि छुट्टी के बाद मिश्रा मैडम आपके घर के नीचे खड़े होके अपनी ट्यूशन के पर्चे बांटती हैं। क्या मेरे घर के बाहर खड़े होके अपने ट्यूशन के पर्चे बांट रही है इस मिश्रा की तो? अरे मैडम कहाँ भागे जा रहे हो, पूरी बात तो सुनो। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो कहती है कि वो जो काली हवेली वाली नकचड़ी चुड़ैल नहीं है, वो कोई और नहीं आप ही हो। क्या उसकी? तो उसे तो मैं जाके बताती हूँ, उसके नाक के ऊपर 2 मुक्के मारूंगी, उसकी नाक टूट जाएगी। Oh, no. मुझे नकचड़ी बोलती है। पर मैम हमारी ट्यूशन का क्या? तुम्हारे ट्यूशन की आज छुट्टी, जाओ तुम जाओ, मैं उस मिश्रा को बता के आती हूँ। यार गुड्डू तू कितना स्मार्ट है यार, तूने क्या मस्त
तो पागल बनाया मैम का, मजा ही आ गया है ना। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आज कोई होमवर्क ही नहीं मिला तो घर जाके मजे करूंगा। अब मजे कैसे, मजे मैं तो होमवर्क करूंगी। तो कौन सा होमवर्क, कैसा होमवर्क, जब उस काली हवेली वाली नचड़ी चुड़ैल ने कोई होमवर्क दिया ही नहीं तो कहाँ से करेगी। गुड्डू ऐसे नहीं बोलते ना मैम के बारे में। क्यों नहीं बोलते, डरता हूँ क्या किसी से? अबे पीछे देख। अबे क्या पीछे देख, डरता हूँ क्या किसी से? हाँ हाँ डरता हूँ, क्यों नहीं डरता, बिल्कुल डरता हूँ। इतना डरता हूँ कि पिछले 40 मिनट से पानी नहीं पिया फिर भी मेरी पैंट में सुसु निकल गया। ये तो मैं बताती हूँ गुड्डू। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को करना लाइक शेयर, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिसने मेरा चैनल गुड्डू भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, लाल वाला बटन है दबा दो, एकदम फ्री है। और गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।